कल वापस 26 तारीख को इस कोर्ट में पार्षदों को पेश करेंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से की जा रही सीधी भर्ती में बोनस अंकों को लेकर उठे कानूनी विवाद पर आज हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने अपना फैसला दिया है। न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायाधीश विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने सीधी भर्तियों में अधिकतम 15% बोनस अंकों का लाभ देने के आदेश दिए। इससे पहले सीधी भर्तियों में 30% बोनस अंकों का लाभ दिया जा रहा था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से 30% अंक बोनस के रूप में देने के नोटिफिकेशन को निरस्त करते हुए अधिकतम 15% अंक बोनस देने के आदेश दिए। न्यायालय के इस आदेश के बाद में करीब 88,000 नियुक्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा। साथ ही पंचायती राज में कनिष्ठ लिपिक पदों पर जो नियुक्तियां दी जा चुकी हैं उनकी वरीयता सूची भी प्रभावित होगी। न्यायालय ने माना है कि अधिकतम अंक जो है बोनस अंक वो 15 दिए जा सकते हैं और बाकी जैसा राज्य सरकार चाहे, लेकिन किसी भी तरह से 15 अंकों से ज्यादा बोनस अंक इस भर्ती में दिया जाना उचित नहीं। हर हालत में इस रेफरेंस के बाद में, क्योंकि सभी तरह के अपॉइंटमेंट जो अभी राज्य सरकार कर रही है अनेक उसके, वो सभी अपॉइंटमेंट जो है हर हालत में न्यायालय के अनेक चल रहे मुकदमों के अंतर्गत थे और उनके अंतर्गत किए जा रहे थे, तो वो सभी नियुक्तियां जो हुई है वो चलते हुए मुकदमों में माननीय उच्च न्यायालय के फैसलों के अंतर्गत होने के कारण वह सभी नियुक्तियां प्रभावित होने की संभावना रहेगी। वहीं सरकारी विभागों में सीधी भर्ती में बोनस अंक के मामले में हाईकोर्ट के आज आए फैसले के बाद विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुछ संगठन सीधी भर्ती में संविदा कर्मियों को अधिकतम 30 की बजाय 15% बोनस अंक देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की योजना बना रहे। नरेगा कार्मिक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अशोक वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से विभिन्न विभागों में लगे संविदा कर्मियों में से कुछ ही कर्मियों का चयन हो पाएगा। उन्होंने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में संविदा कर्मियों का पक्ष मजबूती से रखने की मांग की। अधिकतम 15% बोनस अंक देने से लगभग हर संविदा कर्मचारी के हित के साथ अन्याय हुआ है और इससे 15% बोनस अंक से 5-7% तक की संविदा कर्मचारियों का चयन इस भर्ती में हो सकता है। इस निर्णय की समीक्षा हम लोगों के द्वारा भी की जा रही है, विधि विशेषज्ञों के द्वारा भी की जा रही है और हम इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी संघ के द्वारा तैयारी की जा रही है। फैसला दिया है, उस फैसले को लेकर विधिक परीक्षण सरकार के स्तर पर संघ के स्तर पर किया जा रहा है। उस परीक्षण में अब तक जो स्थितियां सामने आई हैं, हाईकोर्ट ने इन सब चीजों को स्वीकार किया है कि भर्ती का जो प्रोसेस राज्य सरकार द्वारा एडॉप्ट किया गया है उसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं है। उसके बावजूद भी हाईकोर्ट द्वारा अनुभव अंकों को कम किया जाना, ये एक इसकी कॉन्ट्रोवर्सी को भी दर्शाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रशासनिक न्यायाधीश जस्टिस एन के जैन का